और दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि UMT अब एक्टिवेट होने लगा है, और जो चीज़ एक बहुत अच्छी थी, और मेरे को लगता है कि जो भी टेक्नीशियन होगा और जो भी सॉफ्टवेयर का काम कर रहा होगा उसके बाद UMD डोंगल तो जरूर होगा। देखा जाए तो UMD डोंगल बहुत अच्छा है, क्योंकि सैमसंग फ्लैशिंग करो या फिर कॉलकॉम की फ्लैशिंग करो या फिर वन क्लिक FRP निकालो या जो भी काम करना है, काफ़ी अच्छा हद तक कर देता है। मेडिकल UMD के सामने देखा जाए तो फेल हो ही जाता है, और देखा जाए तो दोनों में बहुत जम के टक्कर लगी रहती है। पर UMD ने एक अच्छी चाल चली कि पहले दे दिया फ्री और उसके बाद कर दिया पेड। अब क्योंकि वो पेड हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वर्डन है कि 2500 वाला UMD अब 2000 रुपये में एक्टिवेट होगा तो कैसे चलेगा। तो इसलिए मैं एक टूल लेके आया हूँ दोस्तों। ये टूल के बारे में आपको इंटरनेट से नॉलेज तो मिला ही होगा, बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है, पर इसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया है। तो ये टूल मैं आपको सही तरीके से प्रेजेंट करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं तो ये टूल आप जरूर परचेस करें। जैसे कि आप ये टूल यहाँ पे देख रहे होंगे, ये टूल है मोबाइल सी सर्विस टूल। ये काफ़ी अच्छा टूल है दोस्तों, और जितना मैंने यूज़ किया है काफ़ी वर्क करता है और बिल्कुल हैंग नहीं होता है, सबसे अच्छी बात। और बहुत सस्ता है और लाइफ टाइम प्रोसेसिंग टूल है। और अगर इस टूल को परचेस करना है तो सबसे पहली बात तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसे टेलीकॉम को, और उसके बाद इन नंबर पे ZX मलिक है जो नंबर आपको दिख रहा होगा, उनको कॉल, इनको व्हाट्सअप करना पड़ेगा। कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए अपना। इस टूल की लिंक मेरे वीडियो के नीचे से ले सकते हैं, तो इस टूल की लिंक पे जाइए और इस टूल को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करके एक रजिस्ट्रेशन कीजिए और बनाइए एक हार्डवेयर ID और हार्डवेयर ID भेजिए इनको बहुत कम दामों पे। दोस्तों कितने कम दाम है ये तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, इतने कम दाम पे आपको लाइफ टाइम ये टूल मिलेगा। मैं भी ये टूल पे जाइए और इस टूल को एक्टिवेट कीजिए और चलाइए, क्योंकि दोस्तों मैंने जैसे कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि सैमसंग में जो Z3X नॉर्मली काम कर रहा है, जो ऑक्टोपस काम कर रहा है, IME रिपेयर कर रहा है, ये टूल ये सैमसंग के DRK रिपेयर कर रहा है, बेसबैंड रिपेयर कर रहा है, जो सबसे मेन मसले हैं। अगर आपका बेसबैंड नॉर्मल AD पे रिपेयर हो जाए वायर रूट, सो कितना आसान हो जाता है काम, क्योंकि आपने देखा होगा कि सैमसंग में सैम फिक्स टूल करके बहुत सारे अलग अलग टूल हैं, वो परचेस करने पड़ते हैं या उनके क्रैक चलाने पड़ते हैं। दोस्तों एक और बात बता दूं, क्रैक से बेटर है ये टूल। आप देखते हैं कि जितने का आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना UMD का, उतने का आपका ये टूल आ जाएगा। तो कितना एक अच्छा ये टूल है। हालांकि इस टूल की प्राइस मैं बता देता हूँ, ये टूल है 2200 रुपये का। जो जितने भी जो सब्सक्राइबर है मेरे, जितने भी जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है खास, उन्हीं को टूल मिलेगा। जो सब्सक्राइब नहीं किया उनको टूल नहीं मिलेगा दोस्तों। सो अगर आपने सब्सक्राइब किया है सो अपना ZS मलिक को जाइए और बताइए कि हम इसे टेलीकॉम के सब्सक्राइबर हैं, हमको ये टूल चाहिए, तभी वो आपको 2200 रुपये में देंगे। और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी कुछ खास डिस्काउंट है उस टूल पे, जो मैं अपनी क्लास पे ही बताऊंगा और अपने स्टूडेंट को ही बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये टूल किस तरीके से वर्किंग करता है, कैसा काम करता है, इस टूल में क्या क्या फंक्शन है। डीपली में मैंने एक थोड़ा वीडियो बनाया हुआ है, बहुत हद तक नहीं समझाया है, मैं समझा भी सकता हूँ क्योंकि, पर मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इसको ठीक तरीके से प्रैक्टिकली समझे तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर वो समझना है तो आप यहाँ पे मेरे क्लास में आ सकते हैं, हर महीने की 13 तारीख का यहाँ सॉफ्टवेयर का बैच लगता है दोस्तों। तो चलिए हम आ गए अपनी स्क्रीन पे, और मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ ये जो मेरा टूल है मोबाइल सी सर्विस टूल। तो ये सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे इस टूल को। आप लोग इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड की लिंक जैसे कि मैंने बता दिया है कि मैंने नीचे दे दी है। और अच्छा देखिए, इसको लॉगिन करने के लिए पहले इसको ओपन करने के लिए रनर्स एडमिन हमें करना पड़ेगा। तो कुछ टूल रनर्स एडमिन पे ही ओपन होते हैं, तो हम इसको ओपन कर देते हैं। तो क्योंकि इनकी जो कंपेटिबिलिटी होती है वो 86 नहीं है, वो एक 64-bit प्रोसेसर पर है। तो देखिए मोबाइल सी सर्विस टूल यहाँ पे ओपन हो गया है, और यहाँ पर आपको जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हार्डवेयर ID मांग रहा है। आपको क्या करना है, ये हार्डवेयर ID ही आपको कॉपी करना है इस तरीके से, और आपको इसको कॉपी कर लेना है, और ये कॉपी करके आपको दे देना है ZX मलिक को। जैसे कि मैंने ये नंबर जो शो करके रखा है, इनसे बात करके पहले इनसे बात कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पर इनको कॉल कर लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप से इन पर बात कर लीजिएगा, और ये हार्डवेयर की ID इनको सेंड कर दीजिएगा। अच्छा, हार्डवेयर की ID सेंड करेंगे और आप इनको जब पेमेंट करेंगे तो ये आपको एक्टिवेट कर देंगे। इस पर आपको क्या करना है कि अपना ईमेल ID अपने आपको रजिस्टर करना है। तो वन टाइम आप इसको अपने आप को रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के लिए आप जैसे कि यहाँ पर अपना
यहाँ पर हार्डवेयर आईडी तो पहले से डली हुई है, रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ पे हार्डवेयर आईडी तो डली हुई है, आप आपको सिर्फ अपना नाम डालना है, एक ईमेल, जेन्युइन ईमेल, पासवर्ड डाल सकते हैं और एक फोन नंबर, और उसके बाद आप यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर कर लेंगे। क्योंकि ऑलरेडी मैं रजिस्टर हूँ, मेरा ईमेल आईडी डली हुई है, मेरे पासवर्ड डला हुआ है और मेरी आईडी ऑलरेडी एक्टिवेट है, सो मैं लॉगिन पे टिक करूंगा। और जैसे मैं लॉगिन पे टिक करूंगा, एक बार मैं बता दूं ये सर्वर पे ऑन होगा, और दूसरी बात बिना एक्टिवेट किए ये ऑन नहीं होगा, और इसके जो जितने भी क्रैक जो आ रहे हैं जो चल रहे हैं, और उसके मुकाबले में कहूँगा दोस्तों ये टूल बहुत अच्छा है, सस्ता टूल है, और इस टूल से अगर हम बहुत सारे काम कर सकते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करता हूँ एंड्रॉयड की, तो यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड के बहुत सारे केस यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, तो आप यहाँ पे एंड्रॉयड का केस देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे रीड इंफॉर्मेशन आप एडीपी मोड पे रिबूट कर सकते हैं, फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं, रीड पैटर्न रूट पर इस यहाँ पे रूट करना पड़ेगा आपको अपने फ़ोन को। अब रिबूट अगर एडीपी मोड पर है और आपका ऑन है एडीबी मोड पर, तो रिबूट टू रिकवरी कर सकते हैं, वाइप कर सकते हैं, आप अपने लॉक को रिमूव कर सकते हैं, बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं, टास्क मैनेजर, एनेबल डायग्नोस्टिक एडीबी मोड पर, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एडीबी मोड पर दी हुई है। हुबाबे की बात करूँ दोस्तों, इस टूल में बहुत सारी चीज़ें हैं, सो टूल को समझाने के लिए बेसिकली मैं इसको और अच्छे से प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ये सारे अपने क्लास में करके दिखाता हूँ। अगर आपको पूरा देखना है तो आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे मोटा मोटा तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम हुबाबे की दोस्तों फ्लैशिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा टूल है हुबाबे का फ्लैशिंग, हम यहाँ पे FRP निकाल सकते हैं हुबाबे के, और एनेबल ADB एनेबल कर सकते हैं, और उसके बाद में FRP निकाल सकते हैं, रिमूव FRP जहाँ हमें ADB डिवाइसेस मतलब ADB मोड पे कनेक्ट करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे लिस्ट देखिए हुबाबे की, तो यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट मतलब पूरे हुबाबे लगभग डले हैं यहाँ पर, हॉनर एंड हुबाबे। और फिर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी में नेटवर्क अनलॉक कर सकते हैं, और इसमें नेटवर्क फिक्स कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर। और आपका जो इसकी फ्लैश वाला आती है update.app को आप ट्रैक कर सकते हैं, आप इसमें फास्टबूट मोड फास्टबूट फर्मवेयर बना सकते हैं, सेफ फर्मवेयर बना सकते हैं, बोर्ड फर्मवेयर बहुत अच्छी फर्मवेयर होती है, सो ये बना सकते हैं। MTK की बात करेंगे तो MTK में नॉर्मल फ्लैशिंग दी हुई है, और सर्विस पर जाएंगे तो IME आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा काम दिया है इन्होंने, सही IME कीजिएगा, लीगल काम कीजिएगा। और यहाँ पर मेटा भी मेटा मोड है, यूजिंग ADB मोड से भी कर सकते हैं, मेटा मोड के मोड से भी कर सकते हैं, और ये एक मोड एक और दिया हुआ ATCI मोड। फिर यहाँ पे आप यूज़र डाटा निकाल सकते हैं, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये लैंग्वेज है, कुछ लैंग्वेज दे दिया है, कुछ फ़ोनों में लैंग्वेज आप इंस्टॉल कर सकते हैं, Xiaomi की, सैमसंग, सोनी, इनका जो खुद का एक कस्टम लैंग्वेज होती है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, फॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, लैंग्वेज की जो फॉन्ट है वो उस तरह से शो होंगे। अगर मैं यहाँ पे कॉलकम की बात करूँ तो सबसे बेस्ट मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं कि रिमूव ऑल यूज़र लॉक विदाउट डाटा लॉस, मतलब रिमूव ऑल यूज़र, आप डाटा आप लॉक निकाल सकते हैं, डाटा बिना खोए आप पैटर्न रीड कर सकते हैं, फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं, और ये आप करेंगे EDL मोड पे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे EDL मोड पे आप ये सब काम करेंगे। नेटवर्क अनलॉक कर सकते हैं दोस्तों, क्या चाहिए IMEI बना सकते हैं आप यहाँ पर, नेटवर्क का मतलब IMEI अनलॉक कर सकते हैं नेटवर्क को अगर आपका रिपेयर, तो दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क रिपेयर कर सकते हैं, IMEI बना सकते हैं जो आपको बनाना होगा यहाँ पर डायग्नोस्टिक पोर्ट पे, जैसे ये सारे पोर्ट यहाँ पे लेता है, वन क्लिक है, यहाँ फ्लैश कर सकते हैं XML फाइल से, यहाँ पे तो बैकअप बनाएंगे, यहाँ पे हम फ्लैश करेंगे तो यहाँ से हम रॉ प्रोग्राम उसकी पैच फाइल लेंगे बेसिकली। और आगे जाएं तो सैमसंग में, और देखो दोस्तों यहाँ पे ये ओडिंग जैसा काम तो कर ही रहा है, आप पूरी फ्लैश फाइल को फ्लैश कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से आपको पोर्ट बनाना है अपना, जो आप USB मॉडम का पोर्ट बनाएंगे। सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर, ये ओडिंग के सारे जो इंटरली फीचर्स है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, और उससे भी अच्छी बात मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ अनलॉक, क्या क्या अनलॉक कर सकते हैं आप, FRP अनलॉक डाउनलोड मोड पे, ADB मोड पे, कॉल मेथड डीएक्टिवेट, सो ये भी वो हटाएगा आपको, यूज़र डाटा डाउनलोड मोड पे, रीसेट यूज़र डाटा एक AT मोड पे, तो नेटवर्क अनलॉक टी मोबाइल के नेटवर्क अनलॉक करेगा, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रिमोट वायर डाउनलोड मोड रिमूव, तो यहाँ पर ये जो प्लीज़ कॉल मी करके जो एरर आता है वो रिमूव वायर डाउनलोड मोड पे करेगा। और अच्छी बात बताऊँ तो रिपेयर क्या क्या करेगा, रीसेट EFX फाइल को रीसेट करेगा, और वाइप डाटा अगर NV डाटा को वाइप करेगा, रीसेट MXL कोड, पैच सर्टिफिकेट जो नेटवर्क का कॉल नोट रजिस्टर का जो मैसेज आता है, रिपेयर बेसबैंड सो और ADB मोड पे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ये सिर्फ Jack 3X और Octopux जैसे टूल में आते हैं, और एक जो हम ये टूल देखते हैं
दो तीन कुछ सैमसंग के जो टूल्स होते हैं उन टूलों में आते हैं, और वो टूलों के क्रैक ढूंढते रहते हैं तो मिलते नहीं है। रिपेयर डी आर के आप रिपेयर बना सकते हो, आप डायग्नोस्टिक पोर्ट ओपन, हालांकि इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है कभी, और बैकअप बना सकते हो। दोस्तों बैकअप की बात करूंगा तो आप क्यू सी एन का, डी आर के, आप डी आर के का भी बैकअप बना सकते हो, और ई एफ एक्स का तो बहुत बनाना ही है क्योंकि ये मेन ही है आपकी नेटवर्क की फाइल। और यहाँ पे आप ए डी बी, यहाँ पे आप अपनी सैमसंग की फर्मवेयर डाल के इसके कस्टम सैमसंग की फर्मवेयर डाल के आप इसको ए डी बी इनेबल फाइल बना सकते हो। स्प्रेक्टम की ब्लेसिंग दी हुई है, उसका अनलॉग एफ आर पी निकालने का दिया हुआ है, और यहाँ पे स्प्रेक्टम फर्मवेयर को अगर देखिए मैं एक स्प्रेक्टम फर्मवेयर लेता हूँ, यहाँ से मुझे सिर्फ इसको डबल टिक करना है और फर्मवेयर में जाना है। तो मैं स्पेक्ट्रम फर्मवेयर लेता हूँ यहाँ से, जैसे देखिए ये मैंने फर्मवेयर ले लिए, देखिए पूरी की पूरी फर्मवेयर खुल गई है। अब इसको अनपैक कर सकते हैं, रीपैक कर सकते हैं, मतलब दोस्तों ये बेसिकली अभी यूएफआई में ही हो रहा है। स्पेक्ट्रम की तो बात करें तो साउमी की बात करें, साउमी में दोस्तों यहाँ पर आप जो रिमूव अकाउंट है ये आप लेटेस्ट फोनों का निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर आप साउमी हम टिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितने सारे फ़ोन हैं यहाँ पर, लेटेस्ट नोट 7 दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे, क्या है सारी चीज़ें तो दी हुई हैं यहाँ पर। मेरे ख्याल से ये बेस्ट टूल है, अब ये टूल आप लोगों को लेना चाहिए और बहुत सस्ता टूल है, और कितना भी प्राइस है ये मुझे नहीं पता है। आप ZX मलिक को कॉल करो, टेम्प्रेरी अनलॉक, स्क्रीन अनलॉक अनलॉक कर सकते हैं, बूट लोडर है, स्पेशल टास्क है। सर दोस्तों ये बहुत मेन है यार, चाइना टू ग्लोबल बहुत सारे सेट होते हैं जो चाइना टू ग्लोबल हम कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं आप 9008 पोर्ट पे। अच्छा यहाँ पे वीवो की बात करें तो दोस्तों रीसेट यूजर डाटा, स्क्रीन लॉक रिमूव कर सकते हैं विदाउट डाटा अनलॉक पे, और सिर्फ आपको 9008 पोर्ट पे लगाना है, लगा देना अपना वीवो मोबाइल। और यहाँ पे कुछ मॉडल भी दिए होंगे उन्होंने, देखिए सब मॉडल दिए हुए उन्होंने, देखो कितने सारे मॉडल हैं यहाँ पर, तो ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पर ओप्पो की बात करेंगे दोस्तों तो सबसे बेस्ट यहाँ पे नेटवर्क अनलॉक डायग्नोस्टिक A3S वन क्लिक, आप देखते होंगे ओप्पो A5 A7, ये रियलमी 2 प्रो और रियलमी 2, ये फाइंड एक्स A1, ओप्पो A, ये ओप्पो का A83। दोस्तों अगर ये नेटवर्क लॉक आता है सिर्फ आपको वन क्लिक में ADB सिर्फ वन क्लिक में डायग्नोस्टिक पोर्ट पे, ये वन क्लिक में डायग्नोस्टिक पोर्ट पे आपको ये आपको करना है ADB नेटवर्क अनलॉक करने का। कितने मेथड दिए हुए हैं एनेबल डायग्नोस्टिक करने के, देखिए 3 मेथड दिए हुए हैं और तीनों यहाँ पर ADB मोड पे, मतलब यहाँ पे कोई भी रूट मोड पे नहीं है, आप देख रहे हो कि रूट मेथड नहीं है, बहुत अच्छा है यहाँ पर काम कर रहा है। मेजू का आप काम कर सकते हो यहाँ पर, मेजू में सिर्फ अनलॉकिंग दिया हुआ, यूजर डाटा बूट लोड अनलॉक कर सकते हो। फास्टबू मोड पे आप रीड इन फास्टबू मोड है तो रीसेट FRP जितने भी स्पेक्ट्रम के मोबाइल या जितने भी जो मोबाइल फास्टबू मोड पे हो जाते हैं वो यहाँ से कर सकते हो। EFX को आप इजिली वाइप कर सकते हो यहाँ से, और फास्टबूट फ्लैशर है तो यहाँ से आप ले सकते हो, कोई भी फर्मवेयर ले सकते हो फास्टबूट वाला। और सपोर्ट सिस्टम भी मैं बात करें तो ये देखिए ये सपोर्ट सिस्टम में ये सब रूट की फाइलें पड़ी हुई हैं, सब रूटेड मोबाइल की फाइल है, मतलब आपको इनको रूट करना है तो ये आपको सिर्फ बिल्कुल यहाँ पर जाना पड़ेगा और इसको चेक करना पड़ेगा इस तरह से, वन टिक चेक करना पड़ेगा, और चेक करने के बाद में आपको यहाँ पे डाउनलोड पे टिक करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के कारण ये डाउनलोड आ नहीं रहा है, देखिए कंप्यूटर पे आ गया है, मैं जैसे डाउनलोड पे जाकर मैं या फिर मैं यहाँ डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ ये फाइल, और डेस्कटॉप में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सपोज ZDX में, और ये मैंने फाइल डाली है SM85108, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। जैसे नीचे देख रहे हैं 100% काम हो चुका है, क्योंकि सर दोस्तों ये रूट वाली फाइल है, इसमें कुछ ज़्यादा काम जरूरत नहीं होती है। ये ZDX मैंने ओपन किया है यहाँ पर, और मैं ये चेक करता हूँ कि मेरी फाइल, मुझे देखो ये तो मेरी पहले की फाइल है जो मुझे मैंने देखी थी, टर्क फाइल है। वन टाइम आपको सिर्फ ओडिन पे जाकर क्लिक कर देना है, आप समझ रहे हो, यहाँ पर ओडिन पे वन टाइम जाके क्लिक कर देना है। तो दोस्तों लगता है मैंने ये फाइल कहीं और डाउनलोड कर ली है मैंने, तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि फाइल मैंने कहाँ डाउनलोड की है।
देखिए मैंने फिर से डाउनलोड कर लिए 1%, 6%। सो हो सकता है पिछली बार डाउनलोड ना हो और डायरेक्ट 100% दिखा दिया हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों। ये टूल बड़ा फास्ट है मेरे हिसाब से, अब तक मैंने जितना काम किया एक बार भी ये अटका नहीं है, ये अब नॉट रिस्पॉन्डिंग नहीं गया है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट टूल है और जहाँ तक मैंने देखा ये टूल बहुत बढ़िया है दोस्तों, आपको ये टूल लेना चाहिए। अब मैं देखता हूँ कि कहाँ पर है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आ गया A1 फाइल, टर्ड फाइल 6। आप वन क्लिक फाइल, आपने सिर्फ ओडिंग से फ्लैश करना है डाउनलोड मोड पे। वैसे ही यहाँ पे बहुत सारी चीज़ और भी दी हुई है दोस्तों, तो बहुत सारी चीज़ इसके अलावा भी मैं क्लास में बताता हूँ। अगर आपको सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो आप आ सकते हैं, हर महीने का 13 तारीख का बैच लगता है हमारा, 15,000 रुपये फीस है। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे खुद, आप यहाँ पे बैठेंगे और देखेंगे सारी चीज़ों को करते हुए, आपको खुद पता चलेगा। ऑनलाइन में दोस्तों आप सीख पाए ना सीख पाए वही वाली बात है, 4 सवाल आपके दिमाग में आए ना आए, यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं उनके सवाल भी आपको समझ में आएंगे, नई नई चीज़ें आपको पता चलेंगी, तो आपको सही तरीका मिलेगा और उसके बाद सॉफ्टवेयर का भी काम करेंगे ना दुकान में बैठ के, तो सही काम कर पाएंगे। चलिए ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये टूल खरीदना है तो ZXMLib को कॉल कीजिए, उनको व्हाट्सअप कीजिए, और ध्यान रखिएगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये आपको टूल नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। देखा इस वीडियो में मैंने टूल के बारे में थोड़ा कोशिश की आपको डीपली समझाने की, अगर मैं इसको और भी अच्छे से समझा सकता हूँ, बट मैं कोशिश करूंगा इस पर प्रैक्टिकली वीडियो बनाकर अपने स्टूडेंट के साथ में, ताकि आपको दे सकूँ आगे। सो कोशिश करूंगा मेरी सॉफ्टवेयर बैच भी चले कि इस टूल में एक प्रैक्टिकली वीडियो बनाया जाए और आपके साथ में शेयर किया जाए। और दोस्तों इसके साथ मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है जिसको मैं 1-2 दिन के अंदर अपलोड करूंगा, जिस वीडियो में मैंने मैप अनलॉकिंग के थ्रू एक UMT को अपडेट किया है वाया सर्वर, जो आप घर बैठे कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं ये आप उस वीडियो में जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चलेगा हमको किसी से सर्वर मांगने की जरूरत नहीं है, हम खुद अपना सर्वर बनाएंगे। सो दोस्तों यहाँ पर इसी तरह अगर आपको सॉफ्टवेयर का बैच अटेंड करना, हर महीने का 13 तारीख का बैच लगता है, आप यहाँ आ सकते हैं और बाकी नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं लग रहा है तो SMS करके आप हमें पता हमसे SMS करके हमसे जानकारी लीजिए, और उस पर SMS में लिखिए कि दोस्तों SMS पे सिर्फ अपना नाम मत छोड़िए, सिर्फ लिखिए कि सर हमको बैच अटेंड करना है, और कौन सा बैच अटेंड करना है ये भी लिखिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या EMMC या तीनों। तो दोस्तों अलविदा, इसी तरह मिलते हैं, और आई होप कि ये वीडियो आपके समझ में आया हो, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो साबित हो और आप इससे काफी फायदा उठाए। थैंक यू वेरी मच जुड़े हुए चैनल से। पहले के और अबके में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, हाँ रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। हाँ सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के IC को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका EMMC और CPU निकाल करके दोबारा लगाया। और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सिखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर ले, मतलब हम बोल रहे सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं बोलने के लिए, मेरा दिल बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सर ये नहीं बोलते हाँ तुम्हें बोलना है कैमरे पे ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हम खुद का बोल रहे, कोई हम पे प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं बोलेंगे, मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट चुना जाए, तो मैंने फिर वीडियो देखा और यहाँ पे आया, इसलिए टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाई हैं? सर 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाके सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक पार्ट को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद डाल सकता हूँ, उसमें अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक इंस्टीट्यूट भी खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कर लूँ कि मैं हर एक पार्ट को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो
हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सके मतलब इसके अंदर। एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, अब है जो मैंने। अच्छा ये सर सुना था। ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर। जो कल नए बच्चे जो आए थे? अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के सामने मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रही है और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज़्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, वो मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है। वो जो जिसका वो अंदर का ट्रैक, उसका सप्लाई ट्रेसिंग, उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Announcing 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.